तो 1074 पीपल हैव बीन क्योर्ड. इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ क्योर्ड पेशेंट नोटेड टिल डेट. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है. पिछले 24 घंटे में भारत में अगर COVID-19 के कन्फर्म केसेज की संख्या देखें तो 2553 केसेज बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कन्फर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है. टोटल एक्टिव केसेज अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है. अगर हम सभी अपने क्लोज केसेस को डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करें और एक आउटकम रेशियो कैलकुलेट करें, आउटकम रेशियो मींस कि जो हमारे केसेस क्लोज हो चुके हैं उनका आउटकम, यानी कि क्या वो रिकवर हुए हैं या डेथ रिपोर्ट हुई है, उसके टर्म्स में मेजर करते हैं. यह हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट के स्टेटस को इंडिकेट करती है. तो इससे पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल में जैसे बातचीत की थी तो पाया था कि देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी, और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि 17 अप्रैल के डेटा से इम्प्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं. ये वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक डेथ कंसर्न का विषय है, इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के ट्रीटमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फोकस करें कि हम अपने इस आउटकम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं. आज जैसे कि लॉकडाउन हमारे देश के कुछ हिस्सों में स्टैगर्ड मैनर में ईज हो रहा है, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि रिग्रस कंटेनमेंट मेजर्स वहाँ लिए जाए जाए पर कि केस पाए गए हैं. हम ये इंश्योर करें कि जितने भी हमारे केस हैं उसका इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, और साथ ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर भी अपना फोकस रखें. ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं, उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रिस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए, तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है. इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें. देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है. दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती हैं. हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं. जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर COVID-19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें. हमें पब्लिक स्पेसेस में कंपल्सरली फेस मास्क या कवर्स को यूज करना है. इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में भी हमें सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है. इसेंशियल आइटम्स को भी खरीदते समय या कॉमन एरियाज में किसी से मीटिंग करते समय भी जो रिलैक्सेशन वाले एरिया हैं वहाँ पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें. लेटेस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स का पालन करें. हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है. जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करें कि हम लॉकडाउन ईज करने के समय पर भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह से इंश्योर